मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, कोरोना टाइम चला हुआ है तो घर में रहे, सेफ रहे, और यदि बाहर जाएं तो प्लीज़ मास्क लगा कर जाएं और बच्चों का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो हमारी एनिवर्सरी के ऊपर है। आज हमारी एनिवर्सरी है और मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। आज हमारी 15th एनिवर्सरी है। तो मेरे हस्बैंड आज कुछ गिफ्ट लेके आने वाले थे मेरे लिए। वैसे तो मेरे हस्बैंड हर साल मार्केट लेकर जाते हैं, वहीं से शॉपिंग कराते हैं, पर अब की बार उन्होंने कहा कि मैं सरप्राइज़ देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। अभी तक तो मुझे कुछ सरप्राइज़ मिला नहीं है, बट अभी देखते हैं, थोड़ी देर में शायद हो सकता है मिल जाए। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर में मुझे क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है। और आप भी देखिए कि मेरा सरप्राइज़ क्या है, मुझे क्या गिफ्ट मिला है। मैं अपने गिफ्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, जैसा कि सभी होते हैं, बच्चे बूढ़े सभी गिफ्ट को लेकर एक्साइटेड होते हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ कि मुझे क्या मिलने वाला है और मेरे लिए क्या आया है। अभी मेरे हस्बैंड वॉशरूम में गए हैं, मैंने अपने हस्बैंड का बैग चेक कर लिया, पर उसमें कुछ नहीं है। हो सकता है कहीं और लाकर उन्होंने रख दिया हो। तो अभी मेरे फ्रेंड्स अभी मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि कुछ लेके आया है या मुझे पागल बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड आ गए हैं। कैसे शूटिंग वूटिंग कर रहे हो भाई, क्या बना रहे तुम? ये हमारी वीडियो बन रही है। किस चीज़ की वीडियो बना रहे हो? कि आज आप मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट क्या देने वाले हो। ये क्या होता है एनिवर्सरी गिफ्ट? क्या होता है, तुम देते हैं कोई? नहीं भाई, ऐसा कोई होता थोड़ा ना कि भाई हर आदमी दे। ये तो चलो दे दिया, किसी ने नहीं दिया। तो आपने फोन पे क्यों बोला था कि मैं सरप्राइज गिफ्ट लेके आ रहा हूँ? ये तो ऐसे बोले, मैंने थोड़ा तो खुश हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, कि थोड़ी देर तो खुश हो जाएगी। लाए हो कि नहीं लेके आई हो? यार लाए क्या, मतलब लाके सचिन देना होता है क्या? नहीं देना नहीं है, बस लेके आए कि नहीं लेके आया। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि लाना जरूरी होता है कि नहीं? नहीं, लाना जरूरी नहीं होता है, पर आपने बोला था कि मैं लेके आऊंगा। अच्छा, लेके आऊंगा। बोल गया हो तो? बोल गया तो कोई बात नहीं है। अच्छा, और अगर लाया हूँ तो दे दो। अच्छा चल, ढूंढ के कहाँ रख दिया मैंने, लाया तो था। बैग तो मैंने चेक कर लिया, उसमें तो कुछ नहीं है। कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया मैंने, मैंने कहाँ रखा? अरे यहाँ इधर ही रखा था। ये है भाई, ये मेरे लिए। तेरे लिए और किसके लिए? तोड़ मत दियो कुछ, कभी टूटने वाली चीज़ ना हो ना, ऐसे ही ला रही है। टूटने के बाद फिर देगी, बेकार चीज़ है, टूट गया, खाने का ऐसा रसगुल्ले थोड़ना है इसमें। क्या चीज़ है भाई? तेरे लिए कुछ भी हो सकता है। आवाज भी आ रही है, अब तू देख ले कि क्या है, थोड़ा अभी चलते ही ले। लेगा कहाँ से? ऐसे बोल, सिम खुल जा। अगर मेरी मन पसंद गिफ्ट नहीं हुआ तो मैं नहीं रखूंगी इसको। अच्छा चल ठीक है, मैं तो किसी और को दे दूंगा, जिसको पसंद होगा वो ले लेगा। क्या कलरफुल चीज आई है? वैसे तो ये बहुत अच्छी चीज है, बट ये एक्सपेंसिव थोड़ी ना है। तो एक्सपेंसिव कितने रुपए की है पता है? 5,000 रुपए की है। क्यों पागल बना रहे हो? तो यार कितने की है ये, कितनी महंगी चीज लेके आया बता, पूरा दिन। वैसे गिफ्ट बहुत अच्छा है, मैंने ये नहीं बोला कि ये बहुत बुरा गिफ्ट है, बट
आपने एक्सपेंसिव गिफ्ट बोला था। एक्सपेंसिव? ये एक्सपेंसिव नहीं है भाई, मेरे तो 5,000 रुपये लग गए इसमें। ये 5,000 का नहीं है। वो तो कितने का आता है ये? ये 500 का होगा। ले भाई 500 रुपये। गलती से आपने एक जीरो फालतू लगा दी है। मेरे तो 5,000 रुपये लग गए। मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। ऐसे ठीक है, लगा सकते हैं आप इसको अपने घर में, बट मुझे ये नहीं चाहिए था एनिवर्सरी गिफ्ट। ये आप अपने बर्थडे पे भी दे सकते थे, मुझे ये नहीं चाहिए था। चल इसको रख के मैं देखता हूँ कुछ और होगा। था कुछ और होगा तो मतलब देखते हैं अभी, कुछ और भी हो सकता है शायद। ठीक इसी के अंदर तो नहीं था दूसरा? नहीं खाली है। पक्का इसी में नहीं है ना? नहीं है ना। मुझे लगा शायद आप लेके भी आए हो। वैसे अच्छी बात है गाइस कि मुझे एनिवर्सरी पे दो दो गिफ्ट मिलने वाले हैं। तो यार खाएंगे दूसरा। तुमने निकाल तो नहीं लिया? देख यार, मेन वाला गिफ्ट तूने निकाल लिया और ये रख ये रहने दिया। रख के तो मैं ले लिया था। प्लीज लाए वो तो दिखा दो। ये है हमारा गिफ्ट। पैकिंग तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी लग रही है, बट इसमें मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पत्थर हो। अब तो खुद सोच देख, इतने बड़े गिफ्ट में ये निकला, उस छोटे गिफ्ट में क्या निकल सकता है? बड़ी चीज़ के छोटी चीज़। ये मुझे नहीं चाहिए, पत्थर भर रखे होंगे इसमें। अरे पत्थर नहीं है, बढ़िया चीज़ खोल के देखना। अभी ऐसा भी हो सकता है एक लड्डू ऐसे पिचका के डाल दिया हो मैंने। इसका वेट बता रहे कि ये पत्थर है। पत्थर नहीं, ऐसा भी तो होता है। एक लड्डू लाया मैंने। आप मुझे ना अप्रैल फूल बना रहे हो। नहीं अप्रैल फूल नहीं है, देख खोल के शायद नहीं हो भी सकता, कुछ अच्छे काम का चीज़ हो, शायद तुझे पसंद आ जाए। मजाक भी हो सकता है, चीज़ पसंद भी आ सकती है। आप ही खोलो इसे। नहीं मैं क्यों खोलो, गिफ्ट जिसका होता वही खोलता, मैं क्यों खोलो। तो फ्रेंड्स देखते इसमें सच में गिफ्ट है या मुझे फूल बनाया जा रहा है। पर मुझे लगता नहीं इसमें कुछ गिफ्ट होगा, मुझे ऐसा लगे इसमें पत्थर है। पत्थर क्या होंगे? वाओ वाओ फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स। ये भाई बहुत दिनों से बोल रही थी पजेब चाहिए पजेब चाहिए, चांदी की पायल। तो मैं इस बार इसको दे देते हैं पजेब। और फ्रेंड्स ये बहुत हैवी है और जैसी मुझे चाहिए थी वैसी ही है। और फ्रेंड्स ये एक बार तूने ज्वेलरी पे शॉप पे देखी थी वैसी ही है, तूने एक बार बोला था कि ऐसी चाहिए। ये जो पहले के टाइम पे पेच वाली होती थी ना वो वाली, इसको हम ऐसे याद है एक बार जब हम गए थे वहाँ पे ज्वेलरी शॉप पे, तूने पसंद की थी, जब तूने ये पसंद की थी जब मैंने कहा था मैं दिला दूँगा, फिर बाद में देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है। चलो पसंद तो आई ना बहुत। हाँ ऐसा तो नहीं ना भाई जो मैं लाया भी हो पसंद ना आई हो। डिजाइन ठीक है सर? बहुत सुंदर है। चलो मैं हो जाए डिजाइन को भी पसंद ना आए। नहीं बहुत सुंदर लग रही है। एक बार मैं इसको पहन के ट्राई करूँ? हाँ पहन के ट्राई कर, तभी तो लाया हूँ पहन के ट्राई करने के लिए भी। पहन के
और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, आप कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी फाइल कैसी लगी। और इस बार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अब की बार मुझे एक नहीं दो दो गिफ्ट मिले हैं। बाय बाय।